लोकसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है। अब चुनावी नतीजे आने के बाद एक बार फिर से बेनीवाल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं और अब वजह है उनका गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। 4 जून को चुनावी नतीजों के आते ही राजस्थान में सियासी हलचलें तेज हो गई। ऐसा होना वाजिब भी था। पिछले 10 सालों से राज्य में केवल बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को राजस्थान ने तगड़ा झटका दिया और 11 सीट्स बीजेपी के हाथ से निकल गई। लेकिन अब नागौर से आरएलपी पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत को सियासी गलियारों में लेकर कुछ अटकलें तेज है और ये अटकलें ये है, या यूं कहें कि ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से नाराजगी के बाद इनके कदम जो है वो एनडीए तक पहुंच सकते हैं। इनमें बेनीवाल का नाम सबसे तेजी से ऊपर आया है। गौरतलब है बेनीवाल खुद मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि मुझे इंडिया गठबंधन में नहीं बुलाया, ऐसे में यही माना जा रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यही बातें राजकुमार रोत को लेकर भी की जा रही है। वहीं बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं और राजकुमार रोत ने भी इसे लेकर अभी तक बयान नहीं दिया है। कह तो ये भी सकते हैं कि इन दोनों में से किसी ने भी अभी इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि एक बयान हनुमान बेनीवाल का सामने आया। फिलहाल हनुमान बेनीवाल ने यह कहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है और इंडिया गठबंधन की बैठक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मुझे नजरअंदाज किया गया, इस कारण मेरी इंडिया गठबंधन से नाराजगी है। हालांकि इस बयान में उन्होंने यह भी जोड़ा कि वो अभी बीजेपी के साथ नहीं जा रहे, लेकिन सियासी समीकरण कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। बता देते हैं कि पिछली बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल को नागौर से जीत मिली। वहीं अब उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इस बार भी उन्होंने नागौर की सीट पर कब्जा जमाया। आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल बीजेपी के गठबंधन में शामिल होंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।